सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह का येलो एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट में आपको यूज़ करके। अगर आपको भी सीखना है कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। तो गाइस, चले जब आपके बिना आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको फोटो को इंपोर्ट करना है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो साइड में थ्री डॉट में क्लिक करके, ऐड फोटो में क्लिक करके फाइल में आ जाना है दोस्तों, और आपका जो फोटो है इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑल फोटो में क्लिक करना, आपने जो फोटो इंपोर्ट किया इधर होगा, फोटो में क्लिक करके सबसे पहले फोटो को कर लेना ओपन। अब इसका लाइट को आपको एडजस्ट करना है, तो सिंपल आ जाना आपको लाइट वाला टूल्स में, हाईलाइट को एकदम डिक्रीज कर देना है दोस्तों, शेडो को इंक्रीज कर देना है, इसे इंक्रीज करके आपको कहीं से 63 के आसपास रख देना है। उसके बाद आपको सिंपली ब्लैक को डिक्रीज करना है, ब्लैक को डिक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, -40 पे रख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है कलर वाला टूल्स में, अभी कलर को अप्लाई करेंगे दोस्तों। इधर आने के बाद आपको सबसे पहले टेम को डिक्रीज कर देना है, टेम को डिक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, -16 पे रख देंगे, टेंट को इंक्रीज करके +8 कर देंगे दोस्तों, वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना, इसे इंक्रीज करके +43 के आसपास रख देंगे दोस्तों। अभी सिंपल आ जाना है आपको मिक्स टूल्स में, मिक्स टूल्स में आने के बाद अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑरेंज वाला कलर में आ जाना है। ऑरेंज वाला जो कलर है दोस्तों, ये फेस के लिए होता है, तो इसके जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे, -30 पे रख देंगे दोस्तों। और इसकी जो लुमिनाइज है, लुमिनाइज को इंक्रीज कर देना है, इसे इंक्रीज करके आपको कहना है 70 के आसपास रख देना है दोस्तों। अभी क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, येलो वाला कलर में आ जाना है। येलो वाला कलर में आने के बाद आपको ह्यू को कर देना है माइनस, ह्यू को माइनस करके -44 पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद इसका जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को कर देना एकदम फुल 100, और आपको लुमिनाइज को डिक्रीज कर देना है, डिक्रीज करके -20 पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है ग्रीन वाला कलर में, ग्रीन वाला कलर में आने के बाद आपको ह्यू को एकदम माइनस, और आपको सैचुरेशन को कर देना एकदम 100+। उसके बाद आपको लुमिनाइज को माइनस कर देना है, लुमिनाइज को माइनस करके -18 पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है ब्लू वाला कलर में, तो ब्लू वाला कलर में आने के बाद इसका ह्यू को आपको माइनस करना है, तो माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, इसे -40 पे रख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली इसके जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को कर देना है एकदम फुल। उसके बाद आपको आ जाना है पर्पल वाला कलर में, मेरा पर्पल वाला कलर, इसमें आ जाना है इसके जो ह्यू है, आपको ह्यू को क्या करना है, एकदम माइनस कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली डन में क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों करना है फोटो में कलर ग्रेडिंग, 13 कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन इसमें आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद आपको हाईलाइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसका साइड में गैरोश होगा, इसमें क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके जो सैचुरेशन और यू आपको एडजस्ट करना है, तो सैचुरेशन को क्या करेंगे हम लोग, +50 के आसपास रख देंगे दोस्तों। और इसकी जो ह्यू है, ह्यू को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, +26 के आसपास रख देंगे, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +26 के आसपास रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फोटो में तो कलर आ चुका है। अभी दोस्तों फोटो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपको फोटो में कुछ इफेक्ट का अप्लाई करना है। सिंपली आ जाना इफेक्ट वाला टूल्स में, स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना, आपको 16 पे रख देना है, क्लेरिटी को आपको कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 18 पे रख देना है, डीआई को आपको कुछ इस तरह से आपको इंक्रीज करके आपको कहना है 28 के आसपास आप किसे रख देना है दोस्तों। और आपको बिगनेट को माइनस करना है, तो बिगनेट को माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, -27 के आसपास रख देंगे, मिड पॉइंट को डिक्रीज करके -22 के आसपास रख देंगे दोस्तों, फेदर को इंक्रीज करके 85 के आसपास रख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको एकदम ऊपर आ जाना है मास्किंग वाला टूल्स, मेरा मास्किंग वाला टूल्स इसमें आ जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको प्लस में क्लिक कर देना है दोस्तों, और आपको इस लेनर वाला इस इफेक्ट को आप लोग ले लेना है, ठीक है। अभी नीचे आपको एक शेडो क्रिएट करना है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक शेडो क्रिएट कर लेना है दोस्तों, और आपको इसे कुछ इस तरह से ऊपर ला कर देख देना है, और आपको इस लाइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसका जो एक्सपोजर है इसे आपको डिक्रीज करना है, इसे डिक्रीज करके -77 पे रख देना है दोस्तों। अभी सिंपली राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका फोटो एकदम बन के रहे दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कितना ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद शेयर में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने मिले। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।